हमारे शॉर्ट फिल्म का मोटिव ये था कि लोगों को अच्छी अवेयरनेस दे, अच्छी तहजीब दे और उनको ये रियलाइज कराए कि कभी ना कभी अगर कुछ इन बिटवीन वो किसी को हर्ट करते हैं तो उसका उनको रियलाइजेशन होना चाहिए। मैंने सबसे पहले तो ये कनेक्ट किया कि इट्स हर फैमिली की एक स्टोरी है ये, क्योंकि हर कहीं ना कहीं जाके मैंने भी अपने डैड से कभी ना कभी आर्ग्यू किया होगा मॉम को लेके या मॉम को डैड का साइड लेके, तो सबकी फैमिली में ये स्टोरी ये बहुत कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और ये जो स्टोरी है इट वॉज वेरी रिलेटेबल फॉर एवरी फैमिली, की हर फैमिली में ऐसे झगड़े हुए होंगे, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स उठे होंगे या ऐसे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस आए होंगे। सोच इट्स नॉट कि हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू नो हाउस वाइफ रहना ठीक है, आपकी मम्मी बेचारी नहीं है, ये ऐसा वो मैसेज नहीं है। द मैसेज इज यू नो कि हमारे फैमिली में आज कितना फास्ट टाइम हो गया कि इतने मिसकम्युनिकेशंस हैं कि सब लोग को अपने अपने जगह पे लगता है कि हम ठीक हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आया एंड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम दैट इट वॉज अ वेरी नाइस स्वीट एंड क्लीन सब्जेक्ट यू नो कि एवरीवन कुड रिलेट। तो वो मुझे देख के और वो रिस्पांस से मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक टॉपिक है जो लोगों ने अभी तक छेड़ा नहीं है, जो कि एक बैलेंस बनाना चाहिए निगेटिविटी को ज्यादा ना दिखाते समय। तो सोच को उस तरीके से बनाया गया कि एक सोच है बट किसी का भी परसेप्शन किसी के लिए गलत नहीं है। हमारे फिल्म में एक डायलॉग है कि हमारे समाज के दो पहिए होते हैं हस्बैंड वाइफ, दोनों में से एक भी इनबैलेंस हो गया तो वो साइकिल पंचर हो जाती है और साइकिल चल नहीं पाती। तो सेम थॉट प्रोसेस के साथ ये शॉर्ट फिल्म मैंने बनाने का भी रुख किया। ये जो कहानी है ये सही तरीके से उसको जस्टिफाइड कर पाएंगे और अच्छे तरीके से इसको निभा लेंगे। और बाकी तो इनके एक्टिंग के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। ऐसे रखना ये देखो, एक्टर लग रहा है ये मॉडल ही दिल्ली से आया है।